नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग पर। यहाँ हम सिखाते हैं कोडिंग और गेमिंग कुछ मस्ती के संग। तो यहाँ मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए मेज गेम, जो देखिए कैसा है। तो इसमें दोस्तों मैंने एक नया वो डाला कि जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑब्स्टेकल हम लोग को दिखेगा और पुराना वाला इनविजिबल हो जाएगा। तो मैंने यह बनाया है, अब मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कैसे इसको बनाते हैं। और चलिए फिर सीधा चलते हैं वो वाले विंडो पर जहाँ कोड है। ये लिंक मैंने, जिस लिंक से मैं ये खोल रखा हूँ, इसका लिंक मैं दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो आप देख लीजिएगा। तो ये आ गए हम लोग कोड वाले विंडो पर। दोस्तों ये थोड़ा लंबा कोड है, इसीलिए मैं लिखे बिना आपको समझाऊंगा खाली, ठीक है। तो पहले मैं इसे दूसरे विंडो पर खोल देता हूँ और तो आप देख लीजिएगा कैसे साइन इन करते हैं इसमें। ये code.org प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए मेरे न्यू टैब पर। अब मैं code.org ऑन कर लेता हूँ अपना। तो दोस्तों मैं ऑन कर लिया हूँ, मैं साइन आउट करके आपको दिखा देता हूँ साइन इन करके। तो दोस्तों मैंने तो यहाँ पर ऑलरेडी साइन इन कर रखा है। आप अपना गूगल, फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यूज़ कर सकते हो, या आप क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन में जाकर भी एक अकाउंट बना सकते हो। और अगर आपके पास अकाउंट है तो आप साइन इन कर लीजिए जैसा कि मैंने किया। चलिए दोस्तों अब हम लोग गेम लैब में जाएंगे, हम ये गेम लैब में बनाएंगे। तो आप गेम लैब खोल लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो पॉज और प्ले करके देखें और गेम मेरे संग संग बनाए, वो आपके लिए ईजी रहेगा दोस्तों, और आपका गेम और ज़्यादा अच्छे से और इजीली बन जाएगा। मैंने इसे मेज गेम 4 के नाम से सेव किया दोस्तों। तो पहले मैं पुराने वाले टैब से पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ उस विंडो में, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया कोड कॉपी, अब एक बार रन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने एनिमेशन अभी तक इसमें डाले नहीं है, जो कि मैंने पिछले वाले गेम जो पिछला टैब में था उसमें यूज़ किया था। तो एनिमेशन का दोस्तों प्रॉब्लम है। तो चलिए पहले देख लेते हैं वहाँ पर मैंने क्या क्या एनिमेशन डाले। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ माउंटेनियस ऑब्स्टेकल्स मैंने डाले हैं। तो स्टार्ट बटन की दोस्तों ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे डिलीट कर दीजिए, मतलब आप इसे इंस्टॉल मत करिएगा अपने में। मैं किया था पहले लेकिन फिर उसका यूज़ नहीं आया। दोस्तों जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो लिंक से आप मेरा कोड भी देख सकते हो और फिर बाद में आप उस कोड को यूज़ भी कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोड देखने के लिए दोस्तों आपको मेरा code.org में साइन इन करना होगा। तो दोस्तों अब एनिमेशन में जाके आप ऑब्स्टेकल्स में जाइएगा तो आपको यहाँ पर रॉक अप रॉक डाउन ऐसे करके मिलेगा। तो देखिए दोस्तों मैंने इसे रीनेम किया है रॉक अप से, ठीक है। तो यहाँ पर भी रॉक अप ही कर देता हूँ ताकि मुझे कोड में कोई चेंज ना करना पड़े। सिमिलरली दोस्तों मैं ऑब्स्टेकल्स में जाके रॉक डाउन भी ले आऊँगा। फिर दोस्तों मैं और थोड़ा उसको भी रॉक डाउन को ठीक से रीनेम कर दूंगा। आप दोस्तों कोई भी नाम रख सकते हैं, वो कोई कंपल्शन नहीं है। हाँ दोस्तों, तो फिर मैंने इसे ऐसे रखा है क्योंकि मैंने इसे अपने कोड में यूज़ किया है, ठीक है। तो चलिए अब मैं पहले वाले का कॉपी बनाया हूँ और इसे रीनेम कर रहा हूँ रॉक अंडरस्कोर राइट, और इसे रोटेट करके राइट साइड के तरफ फेस करवा देता हूँ। फिर मैं इसे भी डुप्लीकेट करूँगा और इसे लेफ़्ट कर दूँगा दोस्तों, राइट के जगह लेफ़्ट, और इसे भी दो बार रोटेट कर दूँगा।
फिर दोस्तों मैं फिर से ऑब्स्टेकल्स में जाऊंगा और रॉक ग्रास अप और रॉक ग्रास डाउन भी इनपुट ले लूँगा एनिमेशन से। आप भी ले लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब एनिमेशन बहुत सुंदर है और ये सब अच्छे भी लगते हैं और इन सब का मैं यूज़ करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहो तो आप एक ही रॉक ले सकते हो और उसी का चारों डायमेंशंस बना के यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जैसा आप जानते हो, आप गेम को जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा आपका आउटपुट आएगा, है ना दोस्तों। तो वही आपको भी करना है, गेम का आउटपुट अच्छा करना है, तो फिर आप सारे एनिमेशंस इंस्टॉल कर लीजिए। अब मैं रॉक ग्रास डाउन ले रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इसे अपने हिसाब से रीनेम कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करिएगा। और याद रखिएगा, एनिमेशन में जो नाम आप इधर दोगे वही नाम आप उधर देना, और आप एनिमेशन चेंज कर सकते हो, वो कोई ज़रूरी नहीं कि जो एनिमेशन था मैंने यूज़ किया वही यूज़ करना होगा आपको। चलिए दोस्तों, एक और लास्ट एनिमेशन हम लोग ले लेते हैं गेम ओवर का। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सर्च करने का ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि सर्च में मिलता है क्या। तो देखिए दोस्तों, नहीं मिल रहा है। तो अब हम लोग जाएंगे सीधा गेम प्ले में और नीचे स्क्रॉल करेंगे। दोस्तों ये बहुत सारा एनिमेशन है, तो ये बहुत स्क्रोलर इसका मतलब थोड़ा स्लो आप मूव करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये अपने आप ऊपर भी जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे एनिमेशन है। ये देखिए दोस्तों, मुझे गेम ओवर का मिल गया, तो मैं इसे एज इट इज़ रख लेता हूँ, बस इसका नाम चेंज कर दूँगा कैपिटल जी और कैपिटल ओ के संग, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है, और बाकी सब स्मॉल। तो ये देखिए दोस्तों, सारे एनिमेशन रेडी है। अब कोड वाले विंडो पर चलते हैं। अब दोस्तों मैं इसे रन करता हूँ, तो ये देखिए कोई भी एरर नहीं दिखा रहा और मेरा अच्छे से रन भी हो रहा है। हाँ दोस्तों, अगर आप इसे रन करोगे तो अभी आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर मोशन अचानक से तेज़ हो जाएगा बहुत। मैं आपको दिखाऊंगा, एक मिनट। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए मोशन तेज़ हो गया था। तो अब यहाँ पर मैंने ये ब्लॉक क्रिएट किया जिसका मैंने डायमेंशंस दिया 100, 350, 200 और 10, और फिर मैंने उसे शेप कलर ब्लैक किया। दोस्तों आप डायमेंशंस कॉपी कर लीजिएगा। ब्लॉक 2 को मैंने डायमेंशंस दिया 325, 350, 150 और 10, और मैंने उससे भी शेप कलर ब्लैक दिया। दोस्तों शेप कलर सबके लिए सेम है। फिर मैंने ब्लॉक 3 का डायमेंशंस, ब्लॉक 4 का डायमेंशंस सब देख कर दोस्तों किया। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ ये डायमेंशंस कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये डायमेंशंस मैंने पूरा बैठ के एनकोड किया है। ये डायमेंशंस आप कॉपी कर लीजिए तो आपका गेम एग्जैक्टली मेरे गेम जैसा बनेगा। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, और अपने दोस्तों के संग शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया, तो प्लीज़ दबा दीजिए ताकि आपको मिले मेरे चैनल के सारे वीडियोस सबसे पहले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे नीचे बढ़ते जा रहा हूँ हर ब्लॉक के संग, और मैं उन्हें एनिमेशन तो अभी तक नहीं दिया दोस्तों, लेकिन हाँ मैं उन्हें डायमेंशंस और शेप कलर दे रहा हूँ। शेप कलर मैंने कॉमन रखा है ब्लैक का, और मैं डायमेंशंस दे रहा हूँ। आप डायमेंशंस प्लीज़ कॉपी कर लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। तो देखिए दोस्तों, मैं 10वें ब्लॉक जो आखिरी ब्लॉक है दोस्तों उसमें आ गया हूँ, और उसका डायमेंशंस भी मैंने दे दिया है। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ दोस्तों। अब मैं पहला ऑब्स्टेकल क्रिएट किया, उसे एनिमेशन दिया रॉक स्नो डाउन फेस करता हुआ, उसे डायमेंशंस भी दिया और उसे पोजिशन दिया, और दोस्तों मैंने इसे स्केल भी किया। स्केल इसलिए किया दोस्तों ताकि वो छोटा हो जाए, वो बहुत बड़ा ना लगे, ठीक है। वैसे ही मैंने बाकी ओके संग किया है, जो ऑब्स्टेकल 2, 3, 4, 5,
6 तक है, फिर मैंने बॉल क्रिएट किया है। देखिए दोस्तों, सेकंड वाले में मैंने रॉक ग्रास अप किया है एनिमेशन। थर्ड वाले में मैंने रॉक अप किया, नॉर्मल रॉक अप, और डायमेंशंस भी दिए हैं। आपको डायमेंशंस कॉपी कर लीजिएगा दोस्तों एग्जैक्टली सेम टू सेम, ताकि आपका गेम भी सेम ही बने, कुछ चेंजेस ना हो। फिर दोस्तों मैंने बॉल बनाया, उसे शेप कलर रेड दिया है, उसे भी डायमेंशंस दिए, आप कॉपी कर लीजिएगा। फिर मैं फिनिश बनाया, उसे डायमेंशंस दिया, शेप दिया, और उसे कलर भी दे दिया। फिर मैंने गेम बोल के वो बनाया, और उसे एनिमेशन गेम ओवर वाला दिया। तो मैंने इसे नाम छोटा रखा दोस्तों, आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। फिर मैंने ब्लॉक 3, 4, 8, 9 और 10 को दोस्तों वेलोसिटी दिया, पहले को 5, फिर -5, फिर -5, फिर 5 और फिर 5। आप ये कॉपी कर लीजिएगा। हाँ, फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में क्रिएट एच स्प्राइट्स किया दोस्तों, ठीक है। फिर मैं फंक्शन ड्रॉ, जो एक इनफाइनाइट लूप है, उसके अंदर जाता हूँ, ठीक है। तो अब ये मैं बैकग्राउंड वाइट में सेट किया मैंने, आप कलर चेंज कर सकते हो दोस्तों, कहीं पर भी मैं कोई एनफोर्समेंट तो कर नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। तो मैंने पहले ये मूवमेंट्स दिया, ये मूवमेंट कोड्स आप कॉपी कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कोड है, इसके बिना बॉल मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट और राइट एरो, सबको मैंने एक मूवमेंट दिया है, एक फंक्शन दिया, आप वो कॉपी कर लीजिए, ठीक है। जैसे बॉल डॉट वाई इज इक्वल टू बॉल डॉट वाई, -5 अप के लिए, +5 वाई के केस में डाउन के लिए, एक्स और वाई, एक्स होगा लेफ्ट और राइट के लिए। फिर मैंने दोस्तों सबका विजिबिलिटी फॉल्स किया दोस्तों, आप देख सकते हो ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 10 तक, और फिर मैंने उसे बाद में एनेबल किया दोस्तों जब वाई बॉल का चेंज हो रहा है। आप देखिए दोस्तों, इफ़ बॉल डॉट वाई इज इक्वल इज मोर देन 350 एंड देन बॉल डॉट वाई इज लेस देन 400, तो वैसे करके मैंने किया है, तभी वो गेम इनविजिबल विजिबल इनविजिबल विजिबल, जो गेम मैंने बनाया है, जो इंटरेस्टिंग है दोस्तों, वो तभी बनेगा। तो आप प्लीज़ ये कोड पूरा कॉपी कर लीजिए, मैं आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा, ठीक है दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी करते रहिए, वरना दोस्तों आपका कोड पीछे छूट जाएगा। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि मैंने ये कोड का पूरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं उसे तुरंत रिप्लाई करूँगा, तुरंत नहीं तो दोस्तों एक दो दिन में पक्का कर दूँगा, और आपके प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने हर ब्लॉक का विजिबल दिया है, ताकि वो कभी ना कभी विजिबल हो। फिर दोस्तों मैंने ऑब्स्टेकल्स जो बनाया था, उसको भी मैंने दिया कि अगर बॉल उसको टच करता है, तो दोस्तों वो बॉल स्टार्टिंग पोजीशन पर पहुंच जाना चाहिए, तो वो दोस्तों एक तरह से ऑब्स्टेकल की तरह काम करता है, जो हमें चाहिए, जिसके तरह वो काम करे, ठीक है। तो वही मैंने किया सारे ऑब्स्टेकल्स के संग। फिर दोस्तों आप नीचे देख सकते हो कि जैसे ही वो वो बॉल फिनिश तक टच हो रहा है, वैसे ही वो गेम का सब कुछ इनविजिबल हो जाएगा दोस्तों, इवन बॉल एंड फिनिश। सिर्फ एक गेम बोल के जो स्प्राइट मैंने बनाया था, जिसमें गेम ओवर वाला एनिमेशन था, वो विजिबल होगा। और फिर दोस्तों मैंने बॉल को सारे ब्लॉक्स के संग बाउंस ऑफ वाला फंक्शन दे दिया, ताकि वो टच हो तो बाउंस खाए, उसके ऊपर से जाना पाए। और दोस्तों मैंने जो ब्लॉक जिसको मूवमेंट दिया था, उनको एक दूसरे से तो बाउंस ऑफ दिया ही है, साथ ही साथ एजेस में भी बाउंस ऑफ दिया है। तो आप कॉपी कर लीजिए दोस्तों, मैं आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा। फिर मैंने ड्रॉ स्प्राइट्स लिखा है, ताकि सारे स्प्राइट्स एनेबल हो जाए। और फिर देखिए, आप शेयर पे क्लिक करोगे तो आप इसे शेयर कर सकते हो ये लिंक के संग। ये देखिए दोस्तों, मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको न्यू टैब में अपने। ये देखिए मेरा न्यू टैब आ गया है, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और इसे रन किया है। ये देखिए दोस्तों, वो गेम पूरा शुरू हो गया है। यहाँ पर मैं आपको वो फास्ट मोशन वाला चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, जैसे ही वो मूवेबल और एज के बीच में आया,
तो ये बहुत तेज़ी से चलने लगा, है ना दोस्तों। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। मैं फिर से न्यू टैब में जाके फिर से इसे पेस्ट करके आपको फिर से दिखा देता हूँ। आप सोच रहे होगे कि भाई ये तो झूठ भी बोल सकता है। नहीं दोस्तों, आप जो लिंक मैंने नीचे दिया वही सेम लिंक दोस्तों मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखा रहा हूँ। नहीं, अगर आपको विश्वास है तो आप नीचे वाला लिंक पर प्रेस करके देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम लाते हैं क्वालिटी वीडियोस दोस्तों, और हम सिर्फ बोलते नहीं, हम वो करके भी दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा कोड है, आप इसे कॉपी तो कर ही होगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक से आप उस कोड भी देख सकते हो, लेकिन तभी जब आप code.org में साइन इन हो।